वर्क 13 यूजिंग रैप टेक्स्ट. रैप टेक्स्ट व्हेन वी सेलेक्ट रैप टेक्स्ट ऑल टेक्स्ट इन वन सेल एडजस्टेड इनटू मल्टीपल लाइन. देखिए यहाँ सेल है A14. इस A14 में हम टाइप करते हैं अपना एड्रेस महावीर नगर कॉमा हनुमान नगर कॉमा कंकर बाग कॉमा पटना 20. अब देख रहे हैं पटना 20 तक मैंने टाइप किया, या टाइप किया है मैंने किस सेल में, A14 में. या A14 सेल है, इस सेल पर जब क्लिक किए तो इस सेल का नाम दे दिया A14 और टाइप है किस में, महावीर नगर हनुमान नगर कंकड़ बाग पटना 20. ये टाइप है किस में, A14 में. B14 पर क्लिक किए, देखिए ब्लैंक बता रहा है A14 में. तो A14 जो सेल है इस सेल से ज्यादा चौड़ाई में यह टाइप है टेक्स्ट, तो हम चाहते हैं कि यह जो टाइप है यह मल्टीपल लाइन में चला आए. तो इसके लिए हम लोग क्लिक करते हैं होम टैब के V1 में आते हैं और यह है रैप टेक्स्ट. अलाइनमेंट में है रैप टेक्स्ट, क्लिक किए रैप टेक्स्ट. जैसे ही रैप टेक्स्ट क्लिक किए कि देखिए महावीर नगर हनुमान नगर कंकर बाग पटना 20 मल्टीपल लाइन में ऑटोमेटिक आ गया और सेल की विड्थ हाइट जो है बढ़ गई, विड्थ उतना ही रही और हाइट बढ़ गई. होम के रीवन के रैप टेक्स्ट को जब क्लिक करेंगे तो देखिए रैप टेक्स्ट हटा तो ये सिंगल लाइन में आ गया. फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यह देखिए अलाइनमेंट है और इस अलाइनमेंट में यह है रैप टेक्स्ट. टेक्स्ट कंट्रोल में रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके क्लिक किए, देखिए रैप टेक्स्ट हो गया. तो रैप टेक्स्ट का प्रयोग हम लोग यहाँ इस रिबन बार से भी प्रयोग कर सकते हैं. रैप टेक्स्ट क्लिक किए हट गया, क्लिक किए रैप टेक्स्ट हो गया. यानी यदि किसी एक सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट बहुत ज्यादा हो तो उसे मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं.